हेलो बच्चों, कैसे हो? माय नेम इज अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक पे और यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आई होप आपने मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 1 to 21 देखे होंगे। उसका रीजन बोल रहा हूँ, नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि उसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो जेई मेंस के अभी तक के जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के 10th वाले ईयर के क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद का वीडियो लेक्चर एडवांस लेवल तक जाएगा, यानी दो वीडियो लेक्चर और आएंगे लेकिन उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। सो बी विथ मी, वो सारे वीडियो लेक्चर्स देख लेना और आज का हम टॉपिक खत्म कर देंगे बहुत ही जल्दी। सो फोकस एवरीवन ओवर हियर, माय नेम इज अनिल शर्मा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो हियर इज योर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है? आई गेस ये ब्लैक पेन में इंक खत्म हो गई है तो मुझे इसको साइड पे रख देना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मेटल ज्वाइंट होता है। ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मेटल, मेटल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, यानी यहां पे ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें एक पार्ट होगा ऑर्गेनिक का और उस ऑर्गेनिक के पार्ट के साथ जॉइंट होगा इनऑर्गेनिक का मेटल, या फिर मेटल के अलावा बोरॉन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऐसे नॉन मेटल दो चार हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। राइट, सो व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच विद द मेटल एटम इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट से अटैच होता है। तो कितने पार्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, कितने टाइप? टाइप नंबर वन, चलिए देख लेते हैं। टाइप नंबर वन पहला होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। टाइप नंबर टू दूसरा होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और तीसरा होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक और उसके साथ जॉइंट होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जॉइंट होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में या तो होगा मेटल या फिर जैसे मैंने बताया 13, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप के कुछ नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तीन कैटेगरी होगी। एक होगा सिग्मा बॉन्डेड, यानी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जो मेटल बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा होगा पाई बॉन्डेड, यानी जो इनऑर्गेनिक का मेटल वाला पार्ट है वो ऑर्गेनिक के डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है। और एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी मेटल एटम जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक पार्ट के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के एग्जाम्पल देख लेते तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पाई बॉन्डेड में जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक वाला जो मेटल होता है वो ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, पाई बॉन्डेड में इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होता है मेटल या नॉन मेटल वो सिग्मा बॉन्ड सॉरी पाई बॉन्ड बनाएगा, और इसमें मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए एज आई सेड फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, आपने बच्चों ऑर्गेनिक में किया ही है, आपको यह पता भी है। कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला वाला एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हो, RMGX। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। R आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, MG आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, ग्रेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ऑर्गेनिक का बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट 12th में और 11th में जितने चैप्टर्स है उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड रिएक्शंस आती ही है। राइट, सो ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। तो बच्चों इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है? है, बहुत ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, CH3 4 SN टी प्राइमिथाइल टी स्टेनस, उसका एग्जाम्पल है। राइट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो SN के साथ चार मिथाइल ग्रुप ऐसे जॉइंट होंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ना SN के साथ। तो CH3 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 ये हो गया आपका एग्जांपल। राइट, ये भी CH3 हो जाएगा। नंबर थ्री वाला एग्जांपल अगर मुझे आपको देना हो, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल अगर मुझे देना हो,
नंबर थ्री वाला एग्जाम्पल तो कौन सा दूंगा, तो यही SN है उसकी जगह पी भी ले लेते हैं, लेकिन मिथाइल की जगह इथाइल ले लेते हैं। सीधा होगा वही स्ट्रक्चर, जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पे डाला है, वही स्ट्रक्चर आएगा, SN की जगह आ जाएगा पी, ये हो जाएगा C2H5, यहां पे भी आ जाएगा C2H5, यहां पे भी आ जाएगा C2H5 और यहां पे भी आ जाएगा C2H5। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, यू कैन गिव एज मेनी एग्जाम्पल एज यू कैन, आपको जितने एग्जाम्पल देने हैं आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो। आइए एक और एग्जाम्पल देने की ट्राई करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 4 एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल हम लोग दे रहा है। ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम के टोटल मेटल मैं ले रहा हूं 2 और C2H5 के टोटल ले रहा हूं 6, C2H5 6, ठीक है, Al2 C2H5 6। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर समवॉट डाइबोरेन जैसा होगा, B2H6, आपको पता है ना डाइबोरेन, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में स्टडी किया होगा, BH BH H H BH H, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा डाइबोरेन का, रफ स्ट्रक्चर, आप पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये सिर्फ रफली मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बोरोन की जगह एल्यूमिनियम डाल दो और एच की जगह C2H5 डाल दो, ठीक है, बोरोन की जगह एल्यूमिनियम, तो Al, ठीक है, यहां पे हो जाएगा C2H5, Al यहां पे हो जाएगा C2H5, ये हो गया आपका C2H5, ये हो गया C2H5, ये C2H5 बीच में आपका ब्रिजिंग बनाएगा C2H5। अच्छा, ये वाला जो बीच वाला C2H5 है इसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग ग्रुप, ये हो जाएगा आपका ब्रिजिंग ग्रुप, ये दो ग्रुप को लिंक कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक और मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का पार्ट। ठीक है बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वीडियो के एंड लेक्चर में मैंने एक छोटा सा पेज दिया है, वो आप देख लेना, वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, यहां पे सिनर्जी इफेक्ट करके एक चीज आएगी, वो हम स्टडी करेंगे, एंड तक देखना, और उसके बाद वो रीडिंग वाला पार्ट ही, एप्लीकेशन हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन आप अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इट्स बेटर टू रीड, क्योंकि वही चीज मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर ने जो सिग्नल लिखा है वही तो बोला, उसने नया क्या किया है, तो टाइम वेस्ट क्यों करे, वो एप्लीकेशन आपको दे दूंगा, वो आप रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और ऑर्गेनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे ज्वाइंट है जिसके साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। कहां गया बिट्टू, एक मिनट, यस आई जस्ट गॉट इट इरेज करने के लिए। चलिए, तो बच्चों ये सारे एग्जांपल हो गए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो अभी ले लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके फाइन, आई विल यूज इट। तो ये हो गए सारे एग्जांपल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के पहले वाले पार्ट में, जिसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। दूसरे एग्जाम्पल है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट के साथ जो ऑर्गेनिक पार्ट ज्वाइंट होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है, यानी मेटल डायरेक्टली पाई बॉन्डेड ग्रुप के साथ ज्वाइंट होगा। अच्छा, बहुत ही सिंपल चीज मैं ऐसे बता सकता हूं कि या तो वो अल्किन ग्रुप होगा, या तो वो अल्काइन ग्रुप होगा, या वो बेंजीन ग्रुप का कोई कंपाउंड होगा, क्योंकि ये तीन ग्रुप हाइड्रोकार्बन में ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। बहुत ही प्यारे से एग्जांपल हम लोग लेंगे यहां पे, बहुत ही प्यारे से एग्जांपल लेने वाले हैं, अल्किन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, बेंजीन, तीनों में पाई ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारे से एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही प्यारे से। पहला एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं जीस सॉल्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जीस सॉल्ट। अच्छा, ये सॉल्ट जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्लेटिनम, उसके कॉर्नर में क्लोरीन अरेंज होंगे, Cl, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो फोर्थ वैलेंसी वाला पार्ट है, ये फोर्थ वैलेंसी ये डबल बॉन्डेड अल्किन ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्डेड अल्किन ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, डबल बॉन्डेड, रिमेंबर दिस थिंग, CH2 इथेन, इथेन के साथ, ये हो गया आपका जी सॉल्ट, ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा K+, ठीक है बच्चों, इजी, इसे बोलते हैं जी सॉल्ट। कहां पे यूज होगा, एप्लीकेशन में दिया है मैंने, वो आप पढ़ लेना, यहां पे मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जी सॉल्ट कहां पे अप्लाई होता है नहीं बोल रहा हूं, वो रीडिंग वाला पार्ट है, एप्लीकेशन में रीड कर लेना,
वीडियो लेक्चर के एंड में यू विल ऑब्जर्व द एप्लीकेशन वाला पार्ट. क्लियर बच्चों? सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एप्लीकेशन वाला पार्ट. हम लोग सीधा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पहला है जी सॉल्ट, दूसरा है फेरोसिन, जिसे हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. सैंडविच फेरोसिन, ठीक है, सैंडविच स्ट्रक्चर. चलिए, फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटर में आएगा एफी और साइक्लोपेंटाइल, ये जो ग्रुप है वो उसके सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है. और इन पाई बॉन्ड के साथ एफी जॉइंट होता है. ये आपके फेरोसिन का एग्जांपल है. फेरोसिन बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है. ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, इससे रिलेटेड कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है. फेरोसिन जी सॉल्ट, इससे रिलेटेड कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है. आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं. डाइक्रोमियम बेंजीन, डाइक्रोमियम बेंजीन, सॉरी डाई बेंजीन क्रोमियम, आई एम स्लिटली सॉरी, इट्स डाई बेंजीन, डाई बेंजीन क्रोमियम. यानी यहां पे दो बेंजीन ग्रुप होंगे और इसके साथ क्रोमियम जॉइंट होगा. अगेन स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, साइक्लिक स्पाई, फाइव रिंग की जगह सिक्स मेंबर रिंग आ जाएगी. चलिए सिक्स मेंबर रिंग यहां पे हो जाएगा आपका एफी और ये हो गया आपका सिक्स मेंबर रिंग वाला पार्ट, ठीक है, बेंजीन. क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो. चलिए तो ये हो गया आपका जी सॉल्ट, फेरोसिन और डायबेंजीन क्रोमियम. इसका नाम कैसे देते? नामकरण कर देते. चलिए बहुत इजी नामकरण है. इसका नेम कैसे देंगे? तो ये है के बाहर, अंदर जो है वो है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ है तीन सीएल और एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2. लेकिन इसको स्ट्रक्चरली हम लोग ऐसे लिखते हैं जी सॉल्ट का, सॉरी ना नेमिंग नहीं, स्ट्रक्चर ईटा, ये आपका एक रिक्वर्ड है ईटा, ईटा और इसके ऊपर इसके सुपरस्क्रिप्ट में जितने डबल बॉन्ड के कार्बन एटम होते हैं उतने नंबर लिखे जाते हैं, टू, राइट. इसे हम नाम देते हैं ईटा और ईटा के सबस्क्रिप्ट में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसके टोटल नंबर कितने हैं वो टोटल नंबर यहां पर लिखते हैं. आसान है, ठीक है. चलिए तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लगेंगे? एफी, ठीक है, अब वो सीधा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जॉइंट है, यानी C5H5 के दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल में जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, ईटा 5, ठीक है. तो ये हो गया ईटा 5 वाला पार्ट. बैंड बाजा वाला बज रहा है, बैंड बाजा वाला खत्म हो गया है, नाच लिया मैंने भी थोड़ा, शादी का माहौल है, पीछे पता नहीं क्या था, राइट right? शादी में आपको पता ही है, फूफा फूफी मामा मासी सब डूब 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 नाच. चले कोई बात नहीं, ये ले. तो जैसे मैंने इसकी फॉर्मूला लिखी है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अगर इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला मुझे लिखनी हो, क्रोमियम है सॉरी डाइट, ये क्रोमियम है, आई एम सॉरी. तो अब इसकी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला? तो क्रोमियम अंदर आएगा ईटा, C6H6 उसके टू मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. और एक और चीज है, ये ईटा के बाहर टू लिखेंगे, यहां पे भी टू बार क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल है और टोटल कार्बन एटम्स कितने होते हैं बेंजीन में? 6 और यहां पे भी 6, तो ईटा के ऊपर आ जाएगा 6. तो काफी आसान चीज है समझने के लिए, ये 6 काफी आसान है. अगर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिए हो तो ये याद रखना. और जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव लेवल से एग्जाम में आ चुके, ठीक है बच्चों. चलिए तो यहां पे ये सेकंड कैटेगरी खत्म हो रही है. इसका जो यूजेस है एप्लीकेशन है, मैंने आपको बोला है कि वीडियो लेक्चर के एंड में मैं एक पूरा पेज दे दूंगा, वो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, इसमें ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने जैसी नहीं है. हम लोग जाते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये स्क्रीनशॉट लेके होप आपने कर दिया होगा, नहीं किया हो तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेके कर देना. लास्ट कैटेगरी है मेटल कार्बोनिल और ये बहुत ही स्पेशल केस है, इसलिए इसको मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें सिग्मा और पाई दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, सो सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं,
राइट, मेटल और कौन से लिगेंड्स होते हैं उस ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, ध्यान से लिखना। बेसिकली इसको हम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं या कार्बोनिल जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल जैसे फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बोनिल जैसे लिगेंड्स होते हैं, राइट, दे फॉर्म सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, मेटल और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके बीच में सिग्मा बॉन्डेड भी होता है और उसी के बीच में पाई बॉन्डेड कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअली इसमें ऐसा होता क्या है कि सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड मेटल के कार्बोनिल ग्रुप में फॉर्म होते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। पर सबसे पहले मैं यहां पे जो है कार्बोनिल ग्रुप का एक पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, अच्छा पूरा नहीं करता हूं, लास्ट वाला पार्ट, आपने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है तो मैं लास्ट वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। कार्बन जो है उसके तीन ऑर्बिटल होते हैं लास्ट में, 2px, 2py, 2pz, ठीक है, चलिए। और उसके p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px में 1 और 2py में 1। और ऑक्सीजन जो है उसके तीन ऑर्बिटल होते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2px में 1, 2p सॉरी 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1, 2pz में। अब अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाऊंगा तो स्पाइस्टर यहां पे होगा, ठीक है, और उसके ऊपर होगा सिग्मा स्टार वाला डायग्राम। चलिए, ऑक्सीजन में सबसे पहले आता है सिग्मा बॉन्ड फिलिंग, इसलिए यहां पे मैं पहले पाई प्लॉट कर देता हूं और ये हो गया आपका सिग्मा वाला पार्ट। अब यहां पे एक और चीज आप देखना कि मैंने कार्बन के ऑर्बिटल ऊपर प्लॉट किया ऑक्सीजन के नीचे, उसका बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जो होता है वो ऑक्सीजन का काफी ज्यादा होता है, हाई होता है, और इसका लेस होता है। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी एनर्जी लेस होगी, इसलिए मैंने क्या किया कार्बन के एनर्जी लेवल से उसको नीचे प्लॉट कर दिया, और कार्बन के एनर्जी लेवल को ऊपर क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव लेस है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो व्हाट कैन यू सी, इसके जो पाईस्टर टू पी एक्स है, पाईस्टर टू पी वाई है और सिग्मा स्टार टू पी जेड है, वो वैकेंट ऑर्बिटल है, सीओ कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप के ये सारे ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इसे हम बोलते हैं ल्यूमो, लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम बोलते हैं ल्यूमो। और ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी होम। अब होता क्या है, तो जब मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो नो डाउट कार्बोनिल ग्रुप के पास जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नो डाउट मेटल को तो डोनेट करेगा ही, लेकिन मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है, ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है इस डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब ये जो ल्यूमो ऑर्बिटल है, लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, ये मेटल के क्लोज अरेंज होते हैं और ये है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अब होगा क्या, ये एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल के डी ऑर्बिटल के क्लोज आ जाएगा, क्लोज आने की वजह से मेटल क्या करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ शेयर कर देगा, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ शेयर करके कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएगा, यानी ये हो गया साइडवे ओवरलैपिंग, और साइडवे ओवरलैपिंग जो होता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। कितना आसान है ना। तो मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं उसके पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर मेटल अपने डी के पैड इलेक्ट्रॉन, मेटल के दो डी ऑर्बिटल होते हैं, एक ऐसे जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और एक ऐसे जिसमें पैड इलेक्ट्रॉन है, तो जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है उसके साथ तो कार्बोनिल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड बना देगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लॉजिक है। लेकिन जो वैकेंट कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, ल्यूमो लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार टू पी एक्स, इस ल्यूमो ऑर्बिटल के अंदर मेटल अपने पैड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और साइडवे ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बना देगा, हेंस ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है बच्चों, काफी आसान है ये, कोई इतना लॉजिक या ऐसा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है, बहुत इजी है। ठीक है, समझ में आ गया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही एक सिग्मा पाई बॉन्ड बना सकता है? नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इस तरह के ल्यूमो अनऑक्यूपाइड लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ल्यूमो ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो सारे ग्रुप में सिग्मा पाई बॉन्डेड होंगे. फॉर एग्जांपल सीएन माइनस ले लो, साइनाइड ग्रुप, इसमें भी लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होंगे, वहां पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एनओ ले लो, ये भी नाइट्रोसिल ग्रुप, इसमें भी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होते हैं, वो भी इस तरह से. इसका मतलब ये होगा कि ऐसे जो ग्रुप जिसके पास लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं जिसके साथ मेटल अपने डे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं. ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस, बहुत ही आसान है. ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. जैसे एग्जांपल ले लो निकल कार्बोनिल, NiCO4 निकल कार्बोनिल, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक और चीज याद रखना, मेटल कार्बोनिल्स में जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर जीरो होता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ऑलवेज, लेकिन ज्यादातर जीरो होता है. अब यही केस ले लो निकल टेट्राकार्बोनिल, इसमें निकल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, निकल, तो ये बनाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो ये हो गया निकल टेट्राकार्बोनिल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों. बहुत सारे एग्जांपल, FeCO5 ले लो, ठीक है, FeCO5 ले लो, ओके. दूसरा वाला स्ट्रक्चर FeCO5, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, FeCO5, चलिए बीच में ले लेते हैं Fe, ये हो गया आपके प्लेन के तीन पार्ट, जो ट्राइंगल ट्राइंगुलर पार्ट, ये ट्राइंगुलर पार्ट, और ऊपर CO, नीचे CO. अब ये CO जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो पिरामिड जैसा बनेगा, ये CO जब बॉन्ड बनेगा तो पिरामिड जैसा बनेगा, यानी नीचे से भी पिरामिड ऊपर से भी पिरामिड, तो ये हो गया ट्रिगोनल बाइपिरामिडल. आसान, काफी आसान है. आप दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, चलिए CrCO6, अगर ये क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल ग्रुप है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ही आसान है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होगी, CR ऑक्टाहेड्रल, CO 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 CO, यहां पे CO नीचे CO, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है. बहुत सारे, आप जितने बोलो उतने एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जितने बोलो. M2, अच्छा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकता है, ये ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है. Mn2CO10, इसका स्ट्रक्चर, अच्छा बेसिकली ये डाइमर है, ये डाइमर है, MnCO5 का डाइमर फॉर्म है, ये डाइमर फॉर्म है, ठीक है. तो इसका भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, MnCO10, मुझे 10 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, 10, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके सराउंडिंग 4 मॉलिक्यूल्स एडजस्ट कर दो, ये 1, ये 2, ये 3, और ये एक पीछे चला जाएगा 4, और ये 5, ये Mn के साथ सीधा बॉन्ड बनाएगा. ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है, ये तीन मॉलिक्यूल और ये आउट ऑफ द प्लेन, ये 1 2 3 ये प्लेन में होंगे, कैसे होंगे, CO CO और यहां पे Mn, नीचे CO ऊपर CO, और इस Mn के साथ भी ये Mn हो गया, ठीक है, उसका उस साइड CO, उसका उस साइड CO, ऊपर एक CO नीचे CO, बहुत सिंपल है. ये दो Mn ले लो, ये दो Mn, ठीक है, ये दो Mn, अब इसकी बाद में करूंगा, ये Mn, ये Mn, यहां पे एक CO, यहां पे दूसरा CO, यहां पे तीसरा CO, यहां पे चौथा, हो गया. तो अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि देखो ये CO, ये CO और ये Mn, ट्राइंगल बन गया और ऊपर CO CO, ठीक है. अब ये वाला Mn, उसमें भी ऐसे ही होगा, एक CO यहां पे, एक CO यहां पे, एक ऊपर CO, एक ऊपर नीचे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, MnCO5 का फॉर्म. तो ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा ही फॉर्म होगा, CO CO, ये पीछे की ओर होगा CO, और ये बहुत ही सिंपल चीज है. रिगार्डिंग मी, मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CO कोबाल्ट कार्बोनिल 8 ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, 8 है, अब ज्यादातर स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, CO 1 2 3 4, ठीक है, सिमिलरली इसके कार्बोनिल के साथ 1 2, ठीक है, 3 4, और ये Mn2CO5 जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है इसका, आर गेटिंग मी, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है. और इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा, तो कोबाल्ट के बीच में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ब्रिजिंग ग्रुप होगा, ब्रिजिंग ग्रुप होगा, ब्रिजिंग, वो बीच में ब्रिज बनाएगा, और तीन कार्बोनिल ग्रुप जो है
वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, शायद आउट ऑफ द कैमरा चला जाएगा लेकिन इसके जैसा ही होगा, इसके जैसा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला या ये वाला स्ट्रक्चर? तो दोनों करेक्ट स्ट्रक्चर है और दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, यानी दोनों ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप, राइट? तो ये सारे मेटल कार्बोनिल ग्रुप, इसमें वही होगा, ये इसके साथ पाई बॉन्डेड, यानी इसमें पाई कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? इसका इफेक्ट क्या होगा? चलिए, मेटल कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल चीज है, मेटल के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और उसका साइड वे ओवरलैपिंग करके वो पाई बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट? वैसे भी आपने पढ़ा है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी बॉन्ड लाइन शॉर्ट होगी, और जिस तरह से बॉन्ड लाइन शॉर्ट होने वाली है उस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाला है। इसको हम सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं। तो सिनर्जी इफेक्ट की वजह से हम देख सकते हैं कि मेटल और कार्बोनिल ग्रुप का बीच का, इसके बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का टॉपिक। यहां पे हम लोग वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं कॉन्सेप्ट से, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर, दो लेक्चर लेंगे पूरे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, लेकिन ये वीडियो लेक्चर एंड तक जरूर देखना, मेरे पिछले वीडियो 1 टू 20 लेक्चर्स भी देखना, तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हद तक समझ में आ सकते हैं, राइट? सो आई होप इट्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।